लगवाना था यार, पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा आप, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो हम लगा देते यार भाई। ओके ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज हम जाने वाले हैं राजस्थान रोड पर गाइस, और आज हम करने वाले हैं पब्लिक के साथ फ्रैंक। तो गाइस आज को हम ऐसा सीन करने वाले हैं, हम जाएंगे घर से निकलेंगे, और जैसे निकलेंगे मेन रोड पे पहुंचेंगे ना, वहां पे हम करेंगे पब्लिक के साथ फ्रैंक। देखते हैं इस टाइम पे अच्छे लोग कितने हैं मतलब, और हमको ये करना है पब्लिक के साथ कि मैं रोड पे आऊँगा और मैं बहाना बनाऊँगा कि गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है गाइस, तुमको हेल्प करना है। पब्लिक से बोलूँगा, देखता हूँ गाइस कौन हेल्प करता है हमारी, कौन मदद करता है, क्योंकि आज के टाइम पे ना भाई मदद करने वाला एकदम 2-5% ही मिलने वाले हैं गाइस। बाकी किसी को किसी से मतलब नहीं है कि किसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चलो गाइस लेट्स राइड, मैं होता हूँ सबसे पहले रेडी और फिर निकालते हैं अपन। तो साफ कर रहा था तो देख सकते हो गाइस इसकी क्या हालत हो चुकी है भाई, मैं तो देख के हैरान हो गया, क्योंकि अंदर से गाइस कम से कम उसको मैंने 1 महीने से नहीं निकाला, और अंदर देखो गाइस कितनी बुरी गंदगी हो रही है इसके अंदर। छी 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 छी, मतलब एक तरफा ना ये पूरा गंदा हो गया, ये देखो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है गाइस। और क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए भाई। तो गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी, सबसे पहले इसको करते हैं अपन राफ, और फिर गाइस इसको पहनेंगे, और फिर करते हैं अपना ब्लॉगिंग सेटअप तैयार, फिर पहनेंगे ग्लव्स, और गाइस फिर निकलते हैं अपन राइड पर, क्योंकि आज की राइड गाइस ज़बरदस्त राइड होने वाली है। और गाइस आज अपन क्या पब्लिक के साथ फ्रैंक करने वाले हैं ना, इस वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही है गाइस, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, बट कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है गाइस, क्या करें। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने रोड पर, तो गाइस चलो लेट्स गो निकलते हैं, क्योंकि गाइस काफ़ी टाइम बाद ना मैंने ब्लॉग शूट करने कर रहा हूँ, मुझे समथिंग हो गया होगा 2 या 4 दिन बाद गाइस। अब इस तरह से राइड से जा रहा हूँ मैं अकेला टाइम निकाल के गाइस, क्योंकि ऐसे टाइम निकालने में ना बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम लगता है इस वजह से। और यहाँ पर देख सकते हो ये गड्ढा हो गया गाइस, किसी ने गड्ढा कर दिया है, और ये यहाँ पर क्या पाइप लाइन हो रही थी, नर्मदा लाइन होती है ना, हाँ नर्मदा लाइन गई थी, घर घर जा रही गाइस, और इसी वजह से मतलब ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ का जो तरक्की है ना गाइस, यहाँ पर तरक्की हो रही है अच्छी, अब नर्मदा लाइन पूरे घर घर फैल रहा है पूरे में, इस वजह से नहीं। और मतलब यहाँ पर मतलब रोड भी कुछ दिन पहले ही बनाया गाइस, काफ़ी टाइम से ना इधर रोड नहीं बना था, अब रोड बन चुका है, इसलिए सीमेंटेड रोड बना हुआ है, तो कोई अब प्रॉब्लम नहीं होती इतनी। और पहले एक टाइम पर ना गाइस इतनी कीचड़ होती थी यहाँ पर, इतनी कीचड़ हद से ज़्यादा, मतलब भाई ये सब मैं ही जानता हूँ, और मैं था मैंने उस टाइम पे भाई, ये क्या हो गया तो भाई, ये पता नहीं क्या सीन था, ये पड़े हुए थे भाई काफ़ी टाइम बाद गई घर से, मतलब वही नेक्स्ट लेवल वाले से बुरा है। और ठीक है निकालते हैं अपन, और पता नहीं गई मुझे ना ब्लॉग में मतलब थोड़ा अभी ना इतने टाइम बाद मतलब जा रहा हूँ, और भाई साहब ये क्या है, यहाँ तो पानी भरा हुआ है गाई बहुत ज़्यादा, यहाँ से आराम से निकालना पड़ेगा। हेलो भाई निकल गई जैसे देते अपनी गाड़ी भाई पानी से नहीं, और भाई हेलो अब चलते हैं अपन अपने मिशन की तरफ गाई, आज का जो मिशन है भाई मिशन कंप्लीट करना है किसी भी हालत में आज, क्योंकि आज अपने वो भाई ऐसा प्रैंक करने वाले हैं गाई, क्यों मेरी बहुत हार्ट बीट बन रही है इस टाइम पर गाइस, हार्ट बीट बहुत तेज़ बढ़ रही है मेरी, क्योंकि ये सब सोच कर ही, क्योंकि गाइस ये सब ना मतलब पहली बार कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम गाइस, इसीलिए मतलब यार ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मेरी क्या हालत हो रही है अंदर से, और गाइस थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है मुझे इस टाइम पे, तो क्या बोलते हैं पेट्रोल का जो फ्रैंक होने वाला है ना भाई, बहुत तगड़ा होने वाला है नेक्स्ट लेवल, और इस पर जो रिएक्शन मिलने वाला है ना भाई, जो बंदा मेरी हेल्प करेगा ना गाइस उसका रिएक्शन मिलने वाला है, मुझे बहुत कर रहा, अभी छोटा मोटा तो मिलेगा नहीं गाइस। भाई साहब ये जा रही है गाय यहाँ पे, सुबह सुबह गाय के दर्शन हुआ है, ये तो अच्छा होता है बहुत ही अच्छा। और या भाई यहाँ पे क्या बच्चों का अभी टाइम का स्कूल, सॉरी बच्चों को टाइम का स्कूल है ना अभी, इसलिए बच्चे क्योंकि मतलब यहाँ पे ये देख सकते हो तुम, भाई साहब ये क्या करना चाह रहे हैं पता नहीं, बचा दिया गाइस
मैंने ब्रेक मार दिया था, उसकी गाड़ी का टायर खुला हो चुका है। अपने को करना है भाई फ्रैंक, इसीलिए तो अपन चलते हैं। को लेना है भाई सामने वाले बंदों का रिएक्शन, जो अपना हमारी हेल्प करता है उसका रिएक्शन कैसा मिलता है भाई। क्योंकि आदमपुर छावनी के सरकारी स्कूल, यहाँ पर सरकारी स्कूल है भाई। और भाई साहब यहाँ पर ये बॉर्डर पहले नहीं थी, यहाँ पर बाउंड्री, जो बाउंड्री बनी है वो बॉल पहले नहीं, अभी अभी बनी है, कुछ टाइम पहले ही गई। क्योंकि भाई तरक्की हो रही है गाइस, तरक्की वो तो हर जगह की गाइस, एक ना एक दिन तरक्की होना ही होता है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब यहाँ की तरक्की हो रही है। रैंडम प्लेयर से हेल्प लेने की कोशिश कर रहा हूँ, रैंडम प्लेयर से हेल्प लेने वाला हूँ गाइस। इसीलिए गाइस मैं थोड़ा सा तो मतलब यार दिल में लगता है भाई, क्योंकि ये जो है ना भाई फ्रैंक होने वाला है, और मुझे लगता है ये हाईवे पर ही करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास हाईवे के अलावा ना दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना इस पर। और सुबह के टाइम पे ना मिलना भाई मुझे ना एकदम नामुमकिन के बराबर लग रहा है कि कोई मेरी इस टाइम पे हेल्प करे। इसीलिए भाई मैं मेन हाईवे पे आ रहा हूँ और मेन रोड पे, ताकि यहाँ से पब्लिक ज़्यादा नहीं जाती है ना, इस वजह से कोई तो मेरी हेल्प करेगा। और हम आ चुके हैं अभी रायसेन रोड पर, सैम कॉलेज के जस्ट सामने पहुँचने वाले हैं। इसके आगे थोड़ी सी आएंगे तो फिर पुल आएगा उस पर, और LND कॉलेज है, तो हमको देखना ये है गाइस कोई हमारी हेल्प करता है क्या नहीं। क्योंकि भाई अब मेरी गाड़ी यहाँ पे मैं बंद करने वाला हूँ भाई साहब, ये कर दी हमने बंद गाड़ी, और अब हम ये प्रोजेक्ट ट्रैंक करेंगे कि हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है भाई। माय गॉड, अब देखते हैं गाइस कोई हमारी हेल्प करता है क्या नहीं करता। ओह नो, हो गई अपनी गाड़ी न्यूट्रल गाइस। हाँ तो अब हमको लेने वाले हैं भाई हेल्प किसी से, कोई हेल्प करेगा क्या हमारी, पता नहीं करेगा भी या नहीं भाई। देखना यह है कि भाई गाइस कोई हेल्प करता है या नहीं, क्योंकि ये देख सकते हो अपनी गाड़ी भाई सामने से, तो मतलब भाई कैसी लग रही है। और गाइस मैंने पहले हुए ग्लव्स, और मैंने पहनी एक टाइम पे वाइट शर्ट भाई, इनमें दो बंदे तो ये तो करेगा नहीं ब्लड वाला हेल्प, मुझे भी लगता है ये तो लड़की है कोई, पता नहीं ये तो नहीं कर पाई मुझे लगता भाई। आई डोंट लाइक इट भाई, मुझे लगता है ये लड़की नहीं करेगी मेरी हेल्प, क्योंकि ये देख रही है बस। गाइस ये फ्रैंक भाई बहुत तगड़ा होने वाला है भाई, देख सकते हो सामने जस्ट सैम कॉलेज दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे सैम कॉलेज है। इन लोगों से ही मांगता हूँ भाई, भाई यार रिएक्ट कर दिया भाई ने, गाइस बेइज्जती कर दी मेरी भाई का, ये तो यार गलत हो गया। ओ नो, इच्छा करता हूँ इनसे भैया। अरे गाइस एक दो तीन साले गाइस, तीन बंदे हो गए निकल चुके हैं, तीन बंदों ने हेल्प नहीं किए, पता नहीं मेरे साला ये लोग देख के कन्फ्यूज हो रहे हैं या कुछ और देख के गाइस, क्योंकि भाई इनको हेल्प करना चाहिए था, मेरी पार्ट हेल्प ही नहीं कर रहा है गाइस कोई। गाइस आजकल ना भाई हेल्प करने वाले लोग मतलब बहुत ही कम है, बोल रहा था ना 5-7% बंदे हैं जो सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, और बाकी गाइस कोई हेल्प नहीं करता। तो ये चीज़ मैंने अच्छे से देखा हुआ है, नोटिस किया हुआ है, इनसे बोल दूँगा। अंकल जी लात लगा दोगे? लात लगवाना था यार, पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा आप चलो कोई बात नहीं, ठीक है लगा देते यार। ओके ओके थैंक यू। तो गाइस भाई एक रिएक्शन मिल चुका है, बट वो लगा देते बोल रहा है गाइस, वो लगा नहीं पा रहा है, वो बात अलग हो गई, अब क्या ही कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई इस बंदे को और देखते हैं, ऐसे बोलते हैं भाई अंकल जी तेल खत्म हो गया यार, लात लगा दो। अरे यार मना कर दिया अंकल जी ने सेट। भाई क्या है मतलब, भाई कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है साला। से पूछता हूँ भाई TVS राइडर वाला आ रहा है भाई, ये बंदा हो सकता है हेल्प कर दे। लात लगाना यार बाबा। अरे भाई नहीं लगा रहा है कोई। गाइस कोई हेल्प नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है भाई, हेल्प करनी चाहिए यार। तो देख सकते हो तुम भाई ऐसे ना भाई हेल्प करने वाले ना बहुत ही कम लोग होते हैं। लात लगाना था अंकल जी, अंकल जी रुकेंगे शायद। यस यस शायद ऐसे ही धपा लूँ ना, पेट्रोल ख़त्म हो गया ना शायद। गाइस अब मुझे धकाना पड़ रही गाड़ी, भाई इनके साथ मैं कर रहा फ्रैंक करने वाला हूँ।
वो पेट्रोल खत्म हो गया अंकल जी, बंद हो गई गाड़ी, लगा दो गिलास। अंकल जी हेल्प कर रहे हैं, मुझे लगा था कोई हेल्प नहीं करेगा, चार पांच लोग निकल गए, किसी ने नहीं की, अचानक बंद हो गई गाड़ी। गाइस अंकल जी ने मेरी हेल्प कर दी है गाइस, क्योंकि मुझे ना उम्मीद नहीं थी वो कोई मेरी हेल्प करेगा, और बहुत मुश्किल से किया गाइस ये मिशन अपना हो गया सक्सेसफुल। गाइस अंकल जी को बता देता हूँ मैं, अब बस रहने दीजिए अंकल जी, वो तो स्टार्ट में फ्रेंक कर रहा था, सॉरी उसके लिए। भाई साहब गाइस अंकल जी की स्माइल, भाई साहब दिल में मतलब यार हार्ट बीट मार चुकी है भाई। गाइस मैं कैसे बताऊं, तो ये देखो अपनी गाड़ी स्टार्ट है एकदम भाई, क्योंकि मैंने अंकल जी के साथ फ्रैंक किया था और फ्रैंक मिशन सक्सेसफुल रहा अपना। गाई अंकल जी ने मेरी हेल्प कर दी, लात लगाई थी गाड़ी में इस भाई से। गाइस ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, हाँ थर्ड भाई या सात भाई बंदे थे जिससे मैंने हेल्प मांगी थी, तो अंकल जी ने मेरी हेल्प की है, बाकी किसी ने हेल्प नहीं की थी। गाइस थैंक यू बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच अंकल जी, जो आपने मेरी हेल्प की है, क्योंकि वो रुके नहीं ज़्यादा देर, अगर रुकते ना तो मैं उनको मतलब अच्छे से धन्यवाद बोलता गाइस, और उनको बताता मैं अपने YouTube चैनल के बारे में गाइस, क्योंकि गाइस मैं ये ना फ्रैंक कर रहा था गाइस, सॉरी अंकल जी के साथ मैंने फ्रैंक कर दिया है, और फ्रैंक गाइस ये मिशन सक्सेसफुल रहा अपना इस वजह से गाइस, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया गाइस इस मिशन को कम्प्लीट करने में। और गाइस आज का मिशन हमारा जो था ना भाई वो कम्प्लीट हो चुका है गाइस, मुझे ना 1% भी उम्मीद रहती थी मिशन मतलब सक्सेसफुल हो, बट कहीं ना कहीं दिल में लग रहा था कि हाँ मेरी कोई हेल्प करेगा, और गाइस की हेल्प अंकल जी ने हेल्प की, अंकल जी के अलावा किसी ने की, और सॉरी अंकल जी थे जो मेरी हेल्प करना चाहते थे और करने की बोल भी रहे थे गाइस मुझसे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरे कैसे प्रॉब्लम है लात नहीं लगा पाऊँगा, वरना मैं लगा देता, लात लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, इसीलिए तो मैंने गाइस ठीक है उनको थैंक यू बोला था, उनके भाई एक पीछे भाई बैठा था उनसे पूछी थी मैंने, बट वो भी मना कर रहे थे नहीं लगा पाऊँगा भाई, लगाना नहीं आता। यहाँ पे अंकल जी ने लात लगाई थी इस स्टेप पे, और भाई धकाई थी गाड़ी, क्योंकि गाड़ी भाई वहाँ से वहाँ तक धकाई है, मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं, सैम कॉलेज से नहीं एल एन सी टी तक, मान लो सैम कॉलेज से ना एल एन सी टी तक उन्होंने लात लगाई थी गाड़ी, तो वहाँ से धका के लाए थे अपन, और फिर बीच में ही मैंने जस्ट स्टार्ट कर दी थी गाड़ी, फ्रैंक था तो हमारा जो मिशन था ना भाई सक्सेसफुल हो चुका है गाई, थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने मेरा मिशन कम्प्लीट करवा दिया। ब्लॉग पसंद आया हो ना गाई तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और गाइस मुझे सपोर्ट करते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।